हेलो गाइस, दिस इज मनीष कुमार. वेलकम टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर सर्कल. टुडे आई केम अप विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो व्हिच इज एक्सपोजिंग योर विजुअल स्टूडियो एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और वी कुड से आईएस एक्सप्रेस ऑन द वेब. सो इट्स लाइक एवरी डेवलपर व्हाइल ही इज डेवलपिंग somewhere he always feel that this feature should be there and I could show my work on the web. Or there are four reasons that I have mentioned that because of this we as a developer we are badly needed for this. First is when we need some help. So if you are stuck somewhere, something is not working, what we usually do, simply we Google around, we find on Google number of website, we just go through, and where whatever we find, we just implement it, right? If it works, then fine. Then otherwise, we call somebody jinhe hame lagta hai ki wo unhe pata rahe aur unse kuch information mile aur hum use kar sake. Then next is agar उससे काम नहीं बना तो हम बोलते हैं लेट्स गेट ऑन द कॉल, लेट्स गेट ऑन द वीडियो कॉल विद स्क्रीन शेयरिंग सेशन. शो करेंगे कि दिस ये हमारा काम है एंड दिस यहाँ हम स्टक हुए हैं. दैट इज व्हाट दैट इज थिंग. सो मेनी टाइम्स बोथ ऑफ द पीपल आर नॉट एट द सिस्टम राइट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. सो दैट इज द कंसर्न फॉर दैट. डेमो हम डेवलप कर रहे हैं और या फिर हमने डेवलपमेंट कर लिया है, हमें कुछ डेमो करना है इन बिटवीन द प्रोजेक्ट. तो हमें डेमो करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें होस्ट करना पड़ता है अपने एप्लीकेशन को समवेयर ऑन मे बी एज़्योर ऑन द पब्लिक आईपी और एनी डोमेन. ऑन एनी डोमेन हमें होस्ट करना पड़ता है, तभी हम डोमेन डेमो कर पाते हैं. थर्ड इज वेबहुक्स. वेबहुक्स समथिंग लाइक हमने कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट किया है और हमें वहाँ से कुछ कॉल बैक आने वाला है और हमें एक एपीआई एक्सपोज करना है जो कि सम अदर थर्ड पार्टी विल कॉल आर एपीआई एंड देन समथिंग विल वर्क एंड सम एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम आवर सिस्टम फ्रॉम आवर एप्लीकेशन एंड डू सम स्टफ देन अगेन कम बैक टू आवर सिस्टम. तो वेबहुक्स इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें एपीआई एक्सपोज करने के लिए भी हमें ये अपना एप्लीकेशन पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल होना चाहिए. देन हमें ये भी डेवलपमेंट का दौरान हमें जरूरत पड़ती है कि हम हमारा एप्लीकेशन जब ये होस्ट होगा तो कैसा दिखेगा, मे बी वो मल्टीपल डिवाइसेस में कैसा दिखेगा. मोबाइल सिंस हमारा ये अगर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है तो फिर वो कैसा दिखेगा रेस्पॉन्सिव वेबसाइट और दूसरे सिस्टम पे, मे बी एंड्रॉइड पे, iOS पे, टैबलेट पे. सो दीज आर द फ्यू रीजंस व्हिच आई फील दैट बिकॉज ऑफ दिस फीचर इज रियली बैडली नीडेड. So without further ado, I'll just open the Visual Studio and then we'll have a look how it works. So this is just a demo application that I have just added to the demo application. So hum just ye F5 click karenge, fir hum dekhenge abhi kya aata hai isme. Ye simple default template ka demo application hai jo ki Visual Studio by default YS Express mein host karega, then hume browser mein dikhega. Would you like to trust the SPDotNet Core SSL certificate? Okay, नहीं हमें core अभी SSL पे नहीं host करो. Okay. I'll have a look. Okay. So अभी ये हमारा application जो कि simple template localhost 7061 ये 7061 पे hosted है. जस्ट क्लोज इट. अभी हमें बाहर से होस्ट करना है, हमें सिंपल यहाँ जाना है एक्सटेंशन मैनेजर में, ऑनलाइन जस्ट फाइंड करना है कन्वेयर. इट क्विकली सेज अलाउज यू टू एक्सेस योर वेब एप्लीकेशन फ्रॉम अदर मशीन. डाउनलोड, ये डाउनलोड करते हैं. Just to expose our IIS Express to other world, we जितने भी कॉन्फ़िगरेशन का रिक्वायरमेंट रहता है ये सब आप बैकग्राउंड में कर देता है. इवन
firewall mein port entry, everything it does. So it says your changes will be scheduled. The modifications will begin when all Microsoft Visual Studio windows are closed. So hum close karte hain isko. VSIX installer is the just this file is just what's it called? Visual Studio extension file is this. So conveyor by KOT for Visual Studio 2022 plus. So best part of this conveyor is it also works in Visual Studio 2022. Currently, mere paas abhi Visual Studio 2022 hai. Usme dekh rahe hain. Okay, updating configuration for Microsoft Visual Studio Community 2022. Okay. अभी देखते हैं ये. ओके, ये इंस्टॉल हो गया. लेट्स क्लोज इट. ओके, वापस ओपन करते हैं. ओके, गो टू आवर टेस्ट एप्लीकेशन. सो टेस्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है. अभी हम यहाँ देखेंगे. ओके, कन्वेयर अलाउज रिमोट एक्सेस टू डेवलपमेंट वेब सर्वर. ओके, ठीक है. अभी ये लोकल यूआरएल है हमारा. एक्चुअली प्रीवियस टाइम जो मैंने इंस्टॉल किया था उसका अभी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है. ये रिमोट यूआरएल, अभी इंटरनेट यूआरएल ही देगा. अभी ये काम एक्सेस ओवर इंटरनेट प्लीज वेट एक्सेसिंग कन्वेयर सर्वर. ये हमारे पास है सिंस ये हमारा वो चीज है क्या भी. ओके, लेट्स सी क्या आता है इसमें. www.conveyor.cloud connect to your local applications. क्योंकि ये भी हमारा Visual Studio run नहीं हो रहा है. Close करते हैं, ये हम run करते हैं. ओके, ये चालू हो गया. नमस्ते. हाँ, विल गो टू टूल्स कन्वेयर और रिमोट एक्सेस. ओके, बस वो है 7061. ओके, 7061 पे. ओके, हमारा रिमोट यूआरएल अभी एक्सेस ओवर इंटरनेट. प्लीज वेट एक्सेसिंग कन्वेयर सर्वर. ओके, नाउ लेट्स अप. ओके, अभी ये इसी यूआरएल से ये हमें हर जगह एक्सेसिबल है. हम कहीं भी दे सकते हैं और दिस इज बूम. ये अभी हम कंट्रोल सी इनकॉग्निटो में रन करते हैं. Let's see if it works. Okay, ये भी चल रहा है. So guys, ये application यहाँ white है उधर black है. क्यों? क्योंकि ये मैंने एक extension use किया है which makes every page black and white. So that way this one dark reader. बट ये इनकॉग्निटो में एप्लीकेबल नहीं किया है मैंने, इसलिए इनकॉग्निटो में वाइट ही आ रहा है. दिस इज ऑल डिफरेंस. ओके, नाउ और इसकी एक बात है, ये इसके लिए आपको विजुअल स्टूडियो रनिंग चाहिए तभी ये एक्सेसिबल होगा क्लाउड पे, इनसे बाहर से. अदरवाइज ये बाहर से एक्सेस नहीं होगी. ये हम अगर ओपन नहीं करेंगे तो बाहर से एक्सेस नहीं होगा. एक और बात जो अभी यहाँ पे मिसिंग है, जाते हैं हम फॉरगेट लॉगिन डिटेल्स. यस, तो इरेज्ड. ये हम इसे किल करते हैं. नाउ मगर इसको डन करते हैं. नो, let's see
देर में गए अभी फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये इस तरह कुछ आएगा, आपको लोकल यूआरएल, रिमोट यूआरएल ये सब आएगा। अभी जैसे ही आप एक्सेस ओवर इंटरनेट करोगे ये विंडो आएगा कन्वेयर का। सिंस मैंने ऑलरेडी स्टे लॉग्ड इन किया था इसलिए वो बाय डिफॉल्ट लॉग्ड इन आ रहा था। अभी ये हम साइन अप कर सकते हैं, तो ये हमें साइन अप करना जरूरी रहता है तभी वो आपके लॉग इन क्रेडेंशियल से वो टनल क्रिएट करता है। वो हमने बस वैसे ही हमने क्लिक किया, ये यहाँ पे इसने पेज ओपन किया। ओके, यहाँ पे एक पेज ओपन किया है जहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वेबसाइट ऑफ conveyor.cloud। यहाँ साइन अप करने के बाद वही क्रेडेंशियल आपको वहां डालने पड़ते हैं। हम पहले यहाँ जाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है। इसके मेन पेज पे ही, फर्स्ट पेज पे रिमोट एक्सेस टू योर विजुअल स्टूडियो वेब एप्लीकेशन, ये पूरा टनलिंग क्रिएट करता है ये। ठीक है, जस्ट फॉर मेनी डिवाइस टनल ओवर द इंटरनेट। नाउ विल गो बैक हियर, एक्सेस ओवर इंटरनेट, नाउ विल ट्राई टू लॉग इन। वहाँ एक बार लॉगिन क्रिएट करने के बाद जस्ट आपको जरा लॉगिन करना है, रजिस्टर करने के बाद ये हमारा आ गया, ये हमने क्लिक किया, ये पेज हमारा ओपन हो गया। रिफ्रेश इट, यस। सो एज लॉन्ग एज आवर विजुअल स्टूडियो इज रनिंग, दिस साइट विल बी रनिंग। व्हाट विल डू, विल जस्ट क्लोज दिस। Now let's see if it works. Whole browser is closed. Okay. This one. Cannot connect to your local application. That will appear again. I have just refreshed it. Okay. This is not working. So guys, this is how it is. I hope you like this video. एंड मेरे ख्याल से ये जितने भी डेवलपर हैं वो रियली ये हेल्प करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज द फोर थिंग्स जो मैंने लिखे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चार चीज़ें हैं जो कि जिस समय हमें बैडली नीडेड होता है कि अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को हम होस्ट कर पाए पब्लिक आईपी पे और हम शो कर सके। मे बी फॉर डेमो वेब होस्ट में बैडली नीडेड रहता है, विदाउट उसके आप कर ही नहीं सकते हो। हेल्प में तो फिर भी आप स्क्रीन शेयरिंग पे, हमारे ऑप्शन रहता है स्क्रीन शेयरिंग पे हम शो करके कर सकते हैं। डेमो भी हम स्क्रीन शेयरिंग पे कर ही लेते हैं, बट जहाँ हमें देना यूआरएल देना रहता है कि ओके दिस यूआरएल यू मे ट्राई इट आउट, वहाँ आप नहीं कर सकते, आपको होस्ट ही करना पड़ता है। फिर आपको ये कैसा दिख रहा है आपको मल्टीपल डिवाइसेस पे, उसके लिए भी हमें होस्ट ही करना पड़ता है। तो फॉर टेम्पोरली होस्टिंग I believe conveyor is the best thing, and basically this is free also. Okay guys, thank you, bye bye.